ये बताइए, बताइए क्या। ठीक आप बहस करेंगे? जी बहस करेंगे ना आप? जी मिसलेनियस स्किल क्या हुआ? नहीं बताइए, बोलिए आप, बोलिए। आप हिंदी में बोले जिसे। अच्छा, हिंदी हिंदी में बहस करिए, आज वैसे भी हिंदी दिवस है। जी सर चैलेंजिंग ऑर्डर है ना एग्जाम के कहाँ वकील खिलाफ। साहब, कहाँ हैं आपके? क्या वकील साहब मना कर दिए हैं सर, मना कर दिए? इसको कह कि आप ले जाइए फाइल। पास ओवर में रखिए, बुलाइए, क्योंकि क्या होगा, पूरी शुद्ध हिंदी में तो बहस कर नहीं पाएंगे ये। हम लिखित में लिए हैं सर। एक क्षण रुक जाइए। अभी लास्ट डेट में अपियर हुए थे वकील साहब आपके। जी जी बताइए। सर इसमें चैलेंजिंग ऑर्डर है एग्जेक्ट ए वन है लड़ से, A1 लड़ से। जी। इसमें रेस्टोरेशन एप्लीकेशन जो है हाँ वो लोअर अपीलेट कोर्ट ने रिजेक्ट किया है लड़ से, जी इस ग्राउंड पर कि डिले है जी और डिले का कारण जो है एक्सप्लेन नहीं किया। जी लड़ से अपील के लंबित रहने के दौरान जी ये डिफेंडेंट नंबर टू कामता प्रसाद जिसमें अपीलांट है इसकी जी डेथ हो गई लड़ से 25/8/2012 जी और अरेस्ट तो 13 में हुआ है, 6/9/13 को। छह लड़से नौ तेरह से 2015 तक के डिले का कारण बताइए। हाँ और लड़ से भी अपील डिसमिस हुई है वांटा प्रोसिक्यूशन में 6/9/13 को और अपीलेंट क्रमांक 2 की मृत्यु हो गई थी जी कामता प्रसाद कामता की। प्रसाद की जी और ये एप्लीकेशन फाइल हुई है लड़ से 22/4/2015 को, जी इसमें जो डिले है 624 दिन का डिले है। जी तो कारण क्या बताया आपने? इसमें आप हमने क्या हैं, किराएदार हैं? किराएदार नहीं, दोनों के बाउंड्री का डिस्प्यूट है, दोनों लैंडलॉर्ड हैं, हाँ, दो दो प्लाट हैं एक के मालिक ये हैं, एक के आप हैं। जी, जी दोनों का फिर डिस्प्यूट है। हाँ हमने एप्लीकेशन लड़ से बनेक्जर A3 जो है ये फाइल किया है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है पैराग्राफ 3 और 4 में पेज नंबर 30 में, लड़ से पेज नंबर तीस। पेज नंबर 30। यह कि स्वर्गीय पिता कामता प्रसाद की मृत्यु दिनांक 25/8/12 को कौन हो से जाने के पैराग्राफ बाद, में पढ़ रहे हैं आप? लड़ से पेज नंबर 30 पेज नंबर 30 का पैराग्राफ कौन सा पढ़ रहे हैं? हाँ पैराग्राफ है 3 नंबर, लड़ से 3 और 4। पढ़िएगा। यह कि स्वर्गीय पिता कामता प्रसाद की मृत्यु दिनांक 25/8/12 को हो जाने के बाद आवेदक गण को तारीख पेशियों की जानकारी नहीं हो सकी और ना ही अपने अधिवक्ता महोदय से संपर्क कर सके थे, जिसमें अधिवक्ता महोदय भी प्रकरण में कोई निर्देश न होने से उपस्थित नहीं हुए तथा प्रकरण दिनांक 6/8/2013 को अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया। यह कि आवेदक द्वारा न्यायालय व्यवहार वर्ग एक व्यवहारी के न्यायालय में जरा प्रस्तुत किए जिनकी नोटिस दिनांक क्रमांक को प्राप्ति हुई 25/11/14 को उपस्थित होने पर अधिवक्ता महोदय से संपर्क किए तथा दिनांक 16/6/15 को यही तो उनके द्वारा समझाइए थोड़ा बताओ। सा, यही तो समझाइए। 25/11/14 को नोटिस मिल गए, उसके बाद आप 16/4/15 तक क्या कर रहे थे? जी उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण 6/8/13 को दम पर भी निरस्त हो गया। और ये जो 25/11/14 से आप क्या कर रहे थे? क्या कुछ तो कारण बताना पड़ेगा वकील साहब। लड़ते इसमें जो पूरी पैरवी कर रहे थे वो कामता प्रसाद कर रहे थे, ऐसा कहाँ लिखा है आपने? जी ये हमने लिखा है सर पैराग्राफ 2 ही में लिखा है कि प्रकरण की पैरवी स्वर्गीय कामता प्रसाद द्वारा की जाती थी तथा वे तारीख की पेशियों में आकर पैरवी करते थे। अच्छा, इसके संबंध में कोई ऑर्डर शीट प्रस्तुत की है आपने ट्रायल कोर्ट की? इससे मालूम पड़ेगा कि कामता प्रसाद पैरवी करते थे। सब ऑर्डर से पेश नहीं की हिलाड़ से लेकिन रिकॉर्ड है। संदीप मिश्रा आते थे, इसमें तो कहीं नहीं लिखा कामता प्रसाद का नाम, किसी भी ऑर्डर शीट में नहीं लिखा है, ना उनके हस्ताक्षर हो रहे कामता प्रसाद जी के। जी चलिए, और कुछ कहना है आपको? बस ठीक है, मेरा इसमें निवेदन है लड़की कास्ट के साथ अगर कुछ है नहीं, कुछ है मेरिट नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है।